सोनीपत में बीजेपी सांसद रमेश कौशिक ने आज प्रेस वार्ता की और साथ ही कौशिक ने भाजपा संगठन में बदलाव के बाद प्रदेश के सभी नए पदाधिकारियों को बधाई दी। वहीं आगामी चुनाव को देखते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनेगी और विपक्ष का काम बन गया है चुनाव हारने पर ईवीएम को दोष देना। जो पार्टी हमारा संगठन बनाया है, मैं उस पूरे संगठन को बधाई देता हूँ। जो नया संगठन बना है वो भी आने वाले समय में मजबूती से काम करके पार्टी को मजबूत बनाएंगे, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 की 10 सीटें पर दोबारा जीत कर देश के पार्लियामेंट की और आने वाले हरियाणा में अपनी पूर्ण बहुमत की भारी बहुमत से सरकार बनाने काम ये संगठन करेगा और उसमें हम सारी पार्टी लगी हुई है। ऐसा है, अपोजिशन को तो ये कहना बनता ही है कि वो ईडी का बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजेंसी है। वो अपने जब ये चुनाव हारते हैं, जब कहते हैं ईवीएम पे, कभी उस एजेंसियों भी उन्होंने संवैधानिक जो एजेंसियां हैं उन पर भी आरोप लाने शुरू करती हैं। इस तरह की कोई बात सरकार के उसमें नहीं।